हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? वैसे आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि आपके लिए हम खेल खेल में मज़ेदार बातों बातों के साथ कुछ नया सीखते हैं और सिखाते भी हैं। आपको पता है, कल मैं एक मेले में गई थी जहां मैंने खूब मस्ती की, स्वादिष्ट खाना खाया, खूब सारे झूले झूले और कई सारे खेल भी खेले। उस मेले में गुब्बारे वाला, आइसक्रीम वाला, बाजे वाला, चाट पकौड़ी वाला और भी बहुत सारे लोग थे। और साथ ही मेरे नन्हे दोस्त नकुल और निहारिका भी मुझे मेले में नजर आए। वो दोनों मेले में किसी चीज को बड़ी उत्सुकता और हैरानी से देख रहे थे। लेकिन क्या थी उनकी उत्सुकता, जानना चाहेंगे आप भी? तो चलिए जानते हैं कि नकुल और निहारिका ने मेले में क्या देखा। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब कितना सुंदर है। वाह, आज तो हम मेले में बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत मजे करेंगे। वो देखो निहारिका, वो क्या है, कुछ नया सा लग रहा है। हाँ चलो आगे चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। परछाइयाँ, वाह बहुत खूब, ये परछाइयाँ तो बहुत अद्भुत हैं। हाँ बहुत सुंदर है, पर ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं? चलो पता लगाते हैं। हाँ हाँ चलो। तो बच्चों, देखा आपने, ये था हमारा परछाइयों वाला नाटक। जी हाँ, आज का हमारा विषय है कहानी परछाइयों से। इस परछाई वाले नाटक को कर्नाटक में तोगलू गोम्बियत के नाम से जानते हैं। तोगलू गोम्बियत की कठपुतलियां चमड़े से बनाई जाती हैं और इसमें प्राचीन भारतीय कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अलग अलग आकार की कठपुतलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कठपुतलियों को कलाकार अपने हाथों के माध्यम से रोशनी को ध्यान में रखते हुए कहानी या फिर नाटक दिखाते हैं। नकुल और निहारिका भी इस परछाइयों के खेल को देखकर बहुत हैरान हुए और सोचा, क्यों ना हम भी कोशिश करें कुछ शैडो बनाने की। तो बच्चों देखा, नकुल और निहारिका भी तैयार हैं परछाई के खेल को खेलने के लिए। पर क्या आपको पता है, ऐसी बहुत सारी परछाइयां हैं जिन्हें हम अपने हाथों और उंगलियों से भी बना सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत आसान है, बनाओगे मेरे साथ मिलकर? तो चलो खेल खेल में कुछ नया करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक शैडो परछाई। आपको गेस करना है कि ये क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, आप भी बनाइए। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए, उसके बाद राइट हैंड यानी दाहिने हाथ को इस तरह से रखिए और लेफ्ट हैंड की उंगलियों को अपने राइट हैंड के थंब को इस तरह से पकड़ना है। दिख रहे हैं आपको? यस, ऐसे। और इस थंब को थोड़ा सा पीछे और लास्ट की जो दो उंगलियां हैं उनको इस तरह से। क्या दिख रहा है, किसकी आकृति है ये, सोचिए जरा। डॉगी की। डॉगी कैसे आवाज करता है? हाँ, तो ये है हमारा प्यारा डॉगी। अब बच्चों हम बनाते हैं अपनी दूसरी परछाई। उसके लिए सबसे पहले अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए, फिर लेफ्ट हैंड को आगे से ले जाइए और दोनों के अंगूठों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए और हाथों को इस तरह से ज्वाइन करिए नीचे की तरफ। और अब देखिए ये किसकी परछाई उभर कर आ रही है ना मज़ेदार? सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है ये, जिसके पंख भी हैं। देखो बिल्कुल सही, ये है हमारा बर्ड, आकाश में उड़ने वाला पंछी। अब हम बनाते हैं अपनी तीसरी परछाई। थोड़ी सी मुश्किल है पर आप बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने राइट हैंड को इस तरह से ले जाइए, अंगूठे को अंदर की तरफ रखना है राइट, फिर लेफ्ट हैंड से ऐसे आगे की तरफ
इस तरह से इसको ज्वाइन करना है और उंगलियों को हल्का सा ट्विस्ट करना है। ये देखो कौन सी आकृति उभर कर आ रही है, देखिए क्या हो सकती है ये, ऊपर जिसके सींग भी नजर आ रहे हैं इतने सारे। अब तो आप सही गैस कर पाएंगे, देखो बिल्कुल सही, ये है बारहसिंघा जिसके सिर पर 12 सींग होते हैं, है ना, ये इसका फेस है। कैसे आवाज करता है? तो देखा बच्चों आपने कितना मजेदार खेल है ये, अपने हाथों और उंगलियों के सहारे हम कितना अच्छा खेल खेल सकते हैं परछाइयों वाला। तो अब इस मजेदार खेल के बाद इन परछाइयों के बारे में कुछ रोचक बातें करें। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपको पता है कि ये जो परछाइयां होती हैं कैसे बनती हैं या कब दिखाई देती हैं? ये परछाइयां आपको बताऊं रोशनी के तालमेल से बनती हैं, यानी जब रोशनी के बीच में कोई भी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का आकार शैडो में आ जाता है, यानी परछाई बन जाती है। और ये परछाइयां छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये सब रोशनी जो उन वस्तुओं पर पड़ती है उसके हिसाब से बनती हैं। और ये रोशनी कोई भी हो सकती है, आपके आसपास सनलाइट भी हो सकती है यानी हमारे सूरज की रोशनी, या फिर मूनलाइट भी हो सकती है, या फिर बच्चों आपके घर में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट, चाहे वो आपके घर में लगा हुआ बल्ब हो या फिर ट्यूबलाइट। यानी आर्टिफिशियल लाइट भी बहुत सारी शैडोज या परछाइयाँ बनाती हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो परछाई है गायब कब हो जाती है, पता है आपको इसका जवाब? चलो मैं बताती हूँ, जब अंधेरा होता है यानी कोई भी रोशनी नहीं होती तब ये परछाई गायब हो जाती है। यानी रात में हम इन परछाइयों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, समझे? अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपने अपने आसपास किन किन वस्तुओं को देखा है या जानवरों को देखा है जिनकी शैडो बनती है या दिखाई देती है, कुछ याद है आपको? वैसे मुझे तो याद है, जैसे कुत्ते की परछाई, गाय की परछाई या फिर किसी पेड़ की परछाई, देखी है ना हमने कई बार। वैसे बच्चों परछाइयों के खेल को हम अपने घर पर भी खेल सकते हैं बहुत मजे मजे में। अच्छा ये बताओ आपके घर में टॉर्च है? जरूर होगी, और उस टॉर्च को हम इन परछाइयों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अरे बहुत आसान है, उन चीजों पर बस टॉर्च से लाइट डालनी है उनके ऊपर, तभी पता चलेगा कि कैसी कैसी परछाई बन रही है। चलो आपको मैं ये दिखाती हूँ कि टॉर्च से हम कैसे परछाई बना सकते हैं। चलो देखो, तो बच्चों देखा आपने, हम टॉर्च की रोशनी के माध्यम से इन चीजों को छोटा बड़ा रूप दे सकते हैं या इनके आकार को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। फर्क होता है कि आप टॉर्च की रोशनी किस तरह से उस वस्तु पर डाल रहे हैं। आप इसी तरह टॉर्च की पोजीशन अन्य वस्तुओं पर भी चेंज कर करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि परछाइयाँ किस तरह से अपने रूप को बदलती रहती हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है, यानी वो छोटी बड़ी हो जाती है? अरे ये तो हमने अभी अभी जाना और आप भी जान चुके हैं, सही जवाब है, हाँ ऐसा ही होता है। चलो अब आपसे मैं अगला सवाल पूछती हूँ, ये बताओ कि दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है? सोचिए, अरे सोचिए जरा, सुबह और शाम के वक्त जब सूरज की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं तिरछी यानी स्लैंट। अब हमारा अगला सवाल आपके लिए कि दिन के समय आपकी परछाई सबसे छोटी कब होती है? सोचो जरा, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी। उत्तर है कि दोपहर के समय जब सूरज की किरणें बिल्कुल ऊपर यानी हमारे सिर के ऊपर होती है, बहुत तेज जब धूप होती है, तब हमारी जो शैडो है या परछाई सबसे छोटी हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा और ऑब्जर्व भी किया, यानी आपने अवलोकन भी किया कि हमारी या किसी भी वस्तु की परछाई हमेशा लाइट
यानी रोशनी की पोजीशन पर निर्भर करती है और उस लाइट के हिसाब से उसकी परछाई का आकार छोटा या बड़ा होता रहता है। अब तो आपने बहुत कुछ जान लिया इन परछाइयों यानी शैडोज के बारे में, है ना बच्चों? चलो अब कुछ बातें आकार यानी शेप्स की कर लें। जानते हो शेप्स कौन कौन से होते हैं? अरे मैं बताने वाली हूँ आपको। और आपने भी अपने घरों में कितनी सारी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जिन्हें हम ट्रेस यानी अनुरेखण कर सकते हैं, जैसे कि आपके बैग में रबर, बॉटल का ढक्कन, पत्ती, दिया सलाई जिसे माचिस की डिबिया भी कहते हैं, या फिर शार्पनर भी हो सकता है, और सिक्के वही जो खनखनाते हैं मम्मी पापा आपको देते हैं ना। और भी कई सारी वस्तुएं होती हैं और इन वस्तुओं के चारों ओर आपको घेरा बनाना है। यहाँ मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ माचिस का। माचिस के चारों ओर घेरा बनाइए और बताइए कि घेरा बनाने के बाद आपको यहाँ कौन सी आकृति दिख रही है। देखिए स्क्रीन पर। और अभी हमने जितनी भी वस्तुओं की बात की उनमें से आपको बताना है कि कौन सी वस्तुएं बोतल के ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ कि बोतल के ढक्कन जैसे हुए सिक्के, और कौन सी वस्तुएं रबर जैसे घेरे वाली हैं, इसका सही जवाब है माचिस। एक मैंने बता दिया, अब बाकी आप बताइए। तो आप भी घर पर इस तरह की और भी कई चीजों को ट्रेस कर सकते हो और आनंद ले सकते हो ट्रेसिंग यानी अनुरेखण का। तो बच्चों आज हमने परछाइयों के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत ही रोचक बातें जानी कि किस तरह से हम घर में परछाइयां बना सकते हैं रोशनी के जरिए। तो बच्चों इसी तरह की जानकारियां हम आपके साथ आगे भी लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।